पंजाब में हाल ही में भी बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं और जिस तरीके से भाजपा इस बार भी अपना खाता खोलने में कहीं ना कहीं पिछड़ गई। हालांकि बड़े चेहरे बड़े नाम इस बार भी पार्टी में जैसे लोकसभा चुनाव में उतारे गए थे इसी तरीके से बाई इलेक्शंस में उतारे गए थे। भाजपा की तरफ से बनारस से जो उम्मीदवार थे इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी ने भी आपको पार्टी ने दी है सर, किस तरीके से देखते हैं चुनाव नतीजे? देखो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला, लोगों का बहुत अच्छा हमें साथ मिला, हमें 300% ग्रोथ आई है 2022 से लेकर अब तक। मैं देखा लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों को ये समझ आ गई है पंजाब में अगर कोई पंजाब का भला कर सकता है तो सिर्फ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मैं इस इलेक्शन से जो लोगों की फीलिंग से बता रहा हूँ आपको कि लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ही हो। सर दावा हालांकि लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी कहा करा गया, हालांकि चीजें बार बार करनी चाहते थे लेकिन आप भी इस बार रहे, लेकिन आपकी फाइट हमने सीट पे देखी, आप बड़ी फाइट थी और अच्छे नतीजे आप ऊपर नीचे चलते रहे कांग्रेस के साथ, क्या कारण मानते हैं? आप भी लंबे समय से भाजपा में हैं, अब तो क्या कारण रहे हैं कि कैडर उस तरह का नहीं है, लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज है? क्योंकि बड़े चेहरे आप लोग को जीत हासिल करते रहे हैं। बहुत अच्छा कैडर बना है, लोगों ने मन भी बनाया है, लोगों ने बहुत अच्छा साथ भी दिया है। कहीं से चलकर हम 1-2% से 5% पे आए, 7% पे आए, आज हम 19% पे खड़े हैं, जो पिछली 2022 की इलेक्शन से आपसे 300% ग्रोथ हुई। आपकी सीट को छोड़ के बाकी सीटों का अगर नतीजा देखा जाए भाजपा का तो बहुत ही नतीजे के तीसरे चौथी सीट तक रहे हैं वो लोग, आपकी सीट को छोड़कर। नहीं, देखो ओवरऑल पंजाब में जो मैं अपना बराड़े से बता सकता हूँ कि बराड़ा जो है वो गढ़ है, आम आदमी पार्टी के तो अपने आप को राजधानी मानते हैं और वहाँ पे जो मालवे का गढ़ है वो बराड़ा से चलता है। जितनी भी आज तक कोई भी चीज शुरुआत होती है, सरकारें बनती है या गिरती है, बराड़ा से होती है, तो जो मूवमेंट चलती है बराड़ा से चलती है। तो बराड़े के लोग जो कहते हैं बड़े जुझारू हैं, बराड़े के लोग जो बड़े क्रांतिकारी हैं, बराड़े के लोग जो सरकार बनाते हैं वहाँ से हमें बहुत हौसला मिला, लोगों का बड़ा प्यार मिला। केवल सर सवाल यहाँ से ये भी जानना चाहते हैं आप, भाजपा में रवनीत बिट्टू ने हार हुई उनको एक बड़ी मंत्रालय दिया, आपने भी सीट से हार आपके भी हार हुई आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंप दी है, मान सकते हैं इसके पीछे 2027 को अचीव करना चाहते हैं भाजपा कहीं ना कहीं, चाहे बेशक जीत नहीं हासिल हो लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये चीज भाजपा प्रेजेंट करना चाह रही, देखिए कि हम लोग अपनी पार्टी के लोगों को कद हमेशा संभाल के रखते हैं। मैं लोगों को प्यार को देखते हुए, लोगों को जो हमें वोटें दी है, लोगों का साथ देखते हुए ये जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार पंजाब में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की है। जिम्मेदारियाँ जो बड़ी बड़ी दी जा रही है उसके पीछे आप मानते हैं भाजपा 27 की तैयारी कर रही है कहीं? बिल्कुल तैयारी कर रही है पंजाब को बचाने के लिए और पंजाब के लोगों का मन भी बन चुका है कि अगर पंजाब में मुड़ के पंजाब को नंबर 1 सूबा बनाना है हमने तो सिर्फ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। थैंक यू सो मच सर। तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है नंबर 1, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा किस बार के नतीजे को भाजपा के लिए सही नहीं, लेकिन 27 में किस तरीके के नतीजे रहते हैं देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरा मैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए।